स्पॉट फिक्सिंग में फंसे अजीत चंदेला फरीदाबाद के रहने वाले हैं। गांव बदौली में इस वक्त उनके घर के पास मैं मौजूद हूं और यहां पर गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। उनसे बात करते हैं कि वो कितना जानते हैं अजीत को और क्या उन्हें लगता है कि अजीत इस तरह के किसी मामले में फंस सकते हैं। आप कब से जानते हैं अजीत को? हम अजीत को बचपन से जानते हैं और यहाँ ही हमारे नज़दीक एक स्कूल का ग्राउंड है, सरकारी स्कूल में, उनमें उन्होंने प्रैक्टिस की बचपन से ही। कभी हमें इस तरीका की जो कल ये घटना हुई है, अब से पहले इस ऐसी तरह की घटना के बारे में हमें कभी भी कोई भी मैसेज आज तक नहीं मिला। बचपन से ही खेल की तरफ उनकी लगन थी, मेहनत करना चाहते थे और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते थे। अपने लोकल फरीदाबाद के अंदर भी उन्होंने कई मैच खेले हैं। इट मीन्स कि जैसे नज़दीकी अकेडमी है, यहाँ से पीछे एयरलाइंस की तरफ से भी खेले हैं। अब IPL के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ। खेल रहे हैं जब से आपकी, उसके बाद कोई बातचीत हुई? वो आते थे, मुलाकात करते थे आप लोगों से? कुछ परिवर्तन देखा? मोस्टली वो बाहर रहते थे, यहाँ तो बहुत ही कम रहते हैं। उनके दो बड़े भाई हैं यहाँ रहते हैं, जो मोस्टली वो बाहर रहते हैं, कभी दिल्ली रहते हैं, क्योंकि मोस्टली उनका खेल की तरफ रुझान है, तो खेल के प्रति अपना प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं हमेशा। जब जितने वक्त आप उनके साथ रहे हैं, आपको कभी लगा है कि उनको कभी पैसों की कोई कमी रही है या वो बहुत ज़्यादा पैसा अर्जित करना चाहते हैं? हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो कि ऑलरेडी गांव के मजबूत परिवार हैं, गांव के नंबरदार हैं, और कभी भी उन्हें पैसे की तरफ कोई ऐसा लालच नहीं दिखाई हमें दिया। हम तो ये सोच भी सकते हैं बिल्कुल भी, और मतलब हम तो इस टाइम गम में इतने बहुत ज़्यादा हुए हैं कि भाई साहब के साथ इतना बुरा हो गया। हम तो इस सबसे यही चाहेंगे कि जांच आयोग एक बार दोबारा जांच करे और भाई साहब के साथ इंसाफ करे, क्योंकि कोई भी एक बार में मतलब कोई भी अगर मामला होता तो एक बार में मतलब उसका डिसीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोबारा उसके बाद जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक बार में कभी होती थी जब से वो बाहर थे, खेलते थे, कभी आते थे यहाँ मुलाकात करते थे? नहीं भाई साहब, जब IPL में जाने वाले थे तो उससे पहले भाई साहब से मुलाकात हुई थी। जाने से पहले भाई साहब को हमने बेस्ट ऑफ लक कहा था और कहा भी था, खूब बड़े विशेष दी थी अच्छी कि भाई साहब आप अच्छा खेलना और हमारे परिवार का, हमारे भाई बंधु साथी हैं जितने भी हैं, हमारे ज़िले का नाम रोशन करना। और भाई साहब ने वैसे ही किया बिल्कुल ही। स्टार्टिंग के में सारे जितने भी थे सारे बहुत अच्छे, भाई साहब बहुत अच्छा खेल रहे थे। हमें लगता है कि भाई साहब बहुत अच्छा खेलने की वजह से ही उनके खिलाफ ये स्पॉट फिक्सिंग का मामला जुड़ा है, क्योंकि लोग बहुत से ऐसे हैं कि उनसे मतलब जलन भी हो सकती है, क्योंकि भाई एक गरीब वर्ग का, एक किसान वर्ग का, किसान की तरफ से उनके पिताजी बहुत अच्छे किसान थे और हर किसी के काम आने वाले थे। कभी ऐसी आज तक नहीं हुई कि भाई साहब कभी किसी के काम नहीं आए, गरीब के, हर किसी के, और वो ऐसा काम नहीं कर सकते। ये बताइए, गांव के लोगों का अभी क्या इस पे रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है? आप लोगों को जब पता चला इस घटना के बारे में, क्या लगा आपको? दुख है गाँव को इस बारे में बहुत ज़्यादा कि भाई इस प्रकार का हमारे एक होनहार बच्चे के प्रति, हमारे ज़िले के एक अच्छे प्लेयर के प्रति, और मोस्टली गांव बड़ौली के जितने भी हमारे, काफ़ी बड़ा गांव है, 10-12 हज़ार लोग हमारे गांव के अंदर रहते हैं, उनमें ना जानो एक शोक सा फैल गया है कि भई ये एक किस प्रकार की दुखद घड़ी हमारे सामने आ खड़ी हुई है। तो कहना है इनका कि गांव के लोगों को इस वक्त जो है वो इस बात से काफ़ी तकलीफ है कि उनके यहाँ का एक होनहार क्रिकेटर जो कि काफ़ी आगे बढ़ रहा था, वो इस तरह के मामले में फंसा है। रत्ना शुक्ला आनंद, ABP News, फरीदाबाद।